एक्सरसाइज हमारी 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट है एनसीईआरटी का ये इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है 90 डिग्री कहां पे है बी पे है एबी कितनी है 24 सेंटीमीटर बीसी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कॉस सी ध्यान दें एबी पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप ट्रायंगल एबीसी बी पे 90 बनाना जरूरी है बाकी आपकी मर्जी ए कहां पे लेना है यहां पे लेना है यहां पे ले लें यहां पे हमने इसको ये लिया बीसी ध्यान दें एबी हमारे पास 24 सेंटीमीटर गिवन है बीसी कितनी है 7 सेंटीमीटर अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमें फाइंड आउट करने के लिए जैसे साइन फाइंड आउट करने हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत होगी हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन नहीं है ये आप लोअर क्लासेज में कर चुके हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी आती है तो मुझे एसी फाइंड आउट करनी है एसी क्या हमारी हाइपोटेन्यूज ठीक है तो इन राइट एंगल आर डी का राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे क्योंकि तभी हमारा साइन ए निकलेगा एसी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर दिस इंप्लाइज एसी एबी कितना हमारा 24 बीसी कितना है 7 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 7 का स्क्वायर 49 कितना आया बच्चों 725 तो AC की स्क्वायर 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 की स्क्वायर 49 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 तो AC की स्क्वायर कितना आ गया 625 और ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट में 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है 25 तो 25 सेंटीमीटर तो यानी कि ये साइड हमारी कितनी आ गई 25 राउंड इसलिए लगाया क्योंकि हमने ये फाइंड आउट की है अब फर्स्ट पार्ट ध्यान दें फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है साइन ए जिस मैंने आपको बताया है साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज अब परपेंडिकुलर वो होता है ध्यान दें जिस एंगल की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है जो 90 का एंगल है उसके सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज और जो थर्ड साइड बच गई वो बेस होती है तो परपेंडिकुलर कितना है 7 हाइपोटेन्यूज कितना है 25 कोस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज बेस ए बी 24 हाइपोटेन्यूज कितना स्टूडेंट 25 सेकेंड पार्ट अब ध्यान दें यहां पे साइन सी अब साइन सी में परपेंडिकुलर बाई होता वही फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बट अब ध्यान दें अब इस एंगल सी की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं इसकी सी में सी के अपोजिट साइड सी एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है ए बी तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए बी परपेंडिकुलर तो बी सी क्या होगा बेस बीसी क्या होगा परपेंडिकुलर कौन सा होता है हम जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे होते हैं उसके जो अपोजिट साइड होती है उसके क्या होती है अपोजिट साइड अब सी के अपोजिट साइड कौन सी है सामने वाली दस सामने वाली ए बी है तो ए बी परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज ये है और बेस कौन सा होगा फिर बी सी ठीक है इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना 24 हाइपोटेन्यूज 25
सी कोस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस सी एंगल, सी जिस लाइन पे बना हुआ है वो बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर तो ये आ गया, तो बेस ये बचा बीसी और हाइपोटेन्यूज 25। क्लियर है? यानी कि ए, जब हम एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे बेस और परपेंडिकुलर, और सी एंगल के केस में बेस और परपेंडिकुलर आपस में दोनों के, इसका जो बेस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा सी का, जो ए का परपेंडिकुलर होगा सी का बेस होगा। क्लियर है? ओके।